शोले में धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़कर जिनको जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग करने की धमकी देते हैं, उन मौसी लीला मिश्रा को कोई कैसे भूल सकता है। वो में कितने सारे रोल में हमने देखा था, कभी वो राम और श्याम में दिलीप कुमार की माँ बनी थी तो कभी वो दासी में मौसमी चैटर्जी की मामी थी। मगर शोले की मौसी ने उन्हें जो सफलता और लोकप्रियता दी उसका कोई जोड़ नहीं। हालांकि लीला मिश्रा को पर्दे पर अपना काम देखने के लिए सिनेमा घर जाना भी पसंद नहीं था, यहां तक कि शोले और सत्यजीत रे के शतरंज के खिलाड़ी भी नहीं। लीला मिश्रा जी के लिए फिल्मों में अभिनय करना नौकरी करने जैसा था, उसके साथ जुड़े ग्लैमर से वो अछूती रही थी। लीला जी का जन्म 1 जनवरी 1908 को आज के अमेठी में हुआ था और शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और उनके पति राम प्रसाद मिश्रा को एक्टिंग का भारी शौक था। वो आगा हश्र कश्मीरी के नाटकों में काम करते थे, लेकिन उन्हीं दिनों बोलती फिल्मों का समय शुरू हुआ था, इसलिए नाटकों के कलाकारों के लिए उस नए माध्यम के दरवाजे भी खुले थे। इसी सिलसिले में रामप्रसाद प्रतापगढ़, बनारस और मुंबई आते जाते रहते थे। मिश्रा जी को मुंबई में एक फिल्म कंपनी में नौकरी तो मिल गई, जहां खाना उन्हें मेहर सुल्ताना नामक एक अभिनेत्री बना कर देती थी। मेहर के सलाह पर मिश्रा जी ने पत्नी को बंबई बुला लिया। लीला जी सेट पर टिफिन लेकर जाया करती थी। उन दिनों सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या थी अभिनेत्रियों की कमी। अभिनय करने वालों को बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। फिर लीला मिश्रा और उनके पति दोनों जमींदार परिवार से थे, इसलिए जब नासिक की एक फिल्म कंपनी ने लीला जी को अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव रखा तो निर्णय लेना काफी मुश्किल था। कंपनी ने भी लीला जी को 500 रुपए महीने का अत्यंत लुभावना वेतन ऑफर किया था। वो फिल्म थी सती सुलोचना और लीला मिश्रा को मंदोदरी की भूमिका मिली थी, मगर लीला जी तो बनारस की एक घरेलू औरत थी जिन्हें पराए मर्द का छूना कहां मंजूर था। यहां तक कि पहली बार जब मेकअप मैन ने उनके चेहरे को छुआ तब वहां मौजूद अपने पति से वो बेहद नाराज हो गई थी कि ये कैसा मर्द है जो अपनी पत्नी के चेहरे को पराए मर्द के हाथों स्पर्श करवा रहे हैं। इसलिए किसी पराए पुरुष के गले में हाथ डालकर उसे प्रेम आलाप करने का तो सवाल ही कहां उठता था। परिणाम ये हुआ कि उस फिल्म से उन्हें निकाला गया, मगर उसे एक फायदा ये हुआ कि कोल्हापुर की एक अन्य कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया, मगर यहाँ भी वही दिक्कत आई। इस फिल्म में भी उन्हें हीरो मास्टर विनायक के गले में हाथ डालकर उन्हें लुभाना था। मौसी फिर अड़ गई कि वो ऐसे दृश्य नहीं करेंगी। अब कंपनी के लिए मुश्किल आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि अभिनेत्री को क्या क्या करना होगा, लिहाजा उस पिक्चर के निर्माण के दौरान बिना काम किए वेतन देना पड़ा। इसलिए जब नई फिल्म होनार की शूटिंग प्रारंभ हुई तब कंपनी को उन्हें ऐसा काम देना था जिसमें पराए मर्द से आंख मटक्का ना करना हो। एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिससे दोनों की बात रहे। फिर लीला मिश्रा से हीरो शाहू मोदक की माता की भूमिका करवाई, तब से चरित्र अभिनेत्री बन गई लीला जी और अंत तक उसी तरह की भूमिकाएं करती रही। उनके बतौर नायिका आई एकमात्र फिल्म गंगावतरण को छोड़ दें तो लीला मिश्रा हिंदी सिनेमा की शायद एकमात्र अभिनेत्री होंगी जिन्होंने अपनी युवानी में ही अपने से उम्र में बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों की माता, चाची या मौसी की भूमिकाएं की। गंगावतरण दादा साहेब फाल्के की एकमात्र बोलपट फिल्म थी। गंगावतरण दादा साहेब की अंतिम फिल्म साबित हुई और लीला मिश्रा के लिए भी, क्योंकि उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था। अब काम नहीं होने के कारण और अपनी प्रथम संतान के जन्म के लिए गर्भवती लीला मिश्रा और उनके पति वापस बनारस चले गए। यानी अपनी जिंदगी में माँ बनने से पहले मौसी ने पर्दे पर अपने से बड़े उम्र के कलाकारों की माता की भूमिका करना शुरू कर दी थी। प्रथम संतान बेटी के जन्म के बाद फिर से काम ढूंढने का प्रयत्न किया, मगर उसी दौरान विश्व युद्ध हुआ और सारी गतिविधियां ठप हो गई और वापस बनारस आ गए। परंतु अब 3 बच्चों वाला परिवार था,
फिर से रुख किया बंबई का। अब की बार काम आए बनारस के कैमरामैन केजी, जिन्होंने लीला चिटनिस से मिलवाया। मौसी अपने परंपरागत तरीके से लंबा घूंघट निकालकर स्टूडियो पहुंची। तब केजी ने उन्हें समझाया और अपना चेहरा दिखाकर इंटरव्यू दिया। लीला चिटनिस ने उन्हें अपने साथी कलाकार के रूप में किसी से न कहना के लिए लीला मिश्रा को पसंद किया। तब से मुंबई की फिल्मों में मौसी का जो सफर शुरू हुआ वो अंत तक जारी रहा। मगर साड़ी से अपने सर को ढके रहने का उनका भारतीय अंदाज बहुधा फिल्मों में बरकरार रहा। मौसी की याद आते ही अपने सर को ढकने के लिए साड़ी को ठीक करती प्रौढ़ महिला ही नजरों के सामने आती है। उनके बोलने का अंदाज भी बनारसी था। गीत गाता चल, सौदागर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सावन को आने दो, सुनियना, अबोध की वो हिस्सा थी। लीला मिश्रा की अन्य फिल्मों में शामिल है चश्मे बद्दूर, आमने सामने, पलकों की छाव में, बैराग, किनारा, कथा, खुशबू, सदमा, जय संतोषी माँ, बड़ा कबूतर, बातों बातों में, महबूबा, माँ का आंचल, अन्नदाता, हनीमून, प्यासा, आवारा, अनमोल घड़ी, दाग, लाजवंती, लीडर, दोस्ती, रात और दिन, धरती कहे पुकार के, अमर प्रेम, सुहाना सफर, लाल पत्थर, मेरे अपने, परिचय इत्यादि। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद लीला मिश्रा काफी हीरो हीरोइन को पहचान नहीं सकती थी। उन्होंने खुद 1978 के एक इंटरव्यू में पत्रकार को बताया था कि दुश्मन की शूटिंग के पहले दिन राजेश खन्ना को वो पहचान नहीं पाई थी। फिल्मी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उससे दूर रही। इस चरित्र अभिनेत्री ने 1988 की 17 जनवरी के दिन अंतिम सांस ली।